हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अनलव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ ही होता है कि जब ये लोग खाना खा के होटल से बाहर निकलते हैं तो अनु देखती है सामने आइसक्रीम वाला होता है। तो कहती है यार मुझे आइसक्रीम खानी है, देखो बाहर तुमने आगे खाना भी खा लिया, प्लीज़ आइसक्रीम खिला दो ना, बहुत दिल कर रहा है। तो आना जो होती है फिर जाती है आइसक्रीम लेके आती है और अनु को देती है और ये लोग ऐसे खाते हुए चल रहे होते हैं और अनु जो होती है बहुत मज़े से उसे खा रही होती है, बड़ी खुश होकर ना, बहुत एक्साइटेड होके। आना जो होती है उसे बड़े प्यार से देखती है और अनु उसकी तरफ यूँ देखती है कि मुझे ऐसा क्यों देख रही है। तो आना जो होती है उसे देखती है कि उसके लिप्स पे आइसक्रीम लगी हुई है, तो वो ना किस कर लेती है उसको, लिप किस रोड पे ही। तो अनु जो होती है उसकी तो आइसक्रीम जो होती है वो नीचे गिर जाती है, उसके दोनों हाथ खुले रह जाते हैं और आँखें बाहर निकल आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आना ने उसके साथ क्या कर दिया। तो आना जो होती है उसको किस कर लेती है और अनु बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और आना जो होती है अचानक से उसको पता नहीं क्या होता है अचानक से पीछे हो जाती है और कहती सॉरी। तो पीछे से दो लड़के आ रहे होते हैं और कहते वो ये तो वैसे ही निकली, घंटा इनका पीछा किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे कह के वो मुँह बना के चले जाते हैं वहाँ से। अनु जो होती है वो ये सुन लेती है तो कहती ओह अच्छा, तो कहती अच्छा तो तुमने इसलिए किया कि दो लड़के जो हमारा पीछा कर रहे थे वो हमारा पीछा ना करें। तो आना कहती कौन से लड़के? अनु कहती वही जो हमारे पीछे थे। आना कहती हाँ हाँ हाँ, उन्हें ही भगाने के लिए किया ना, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। तो आना ऐसे बोलती है तो अनु कहती नहीं ये ना बोलती तो शायद अच्छा भी लगता, अब तो वाकई बुरा लगा। तो ऐसे बोल रही होती है आना कहती क्या? अनु कहती नहीं कुछ नहीं, चलते हैं बहुत देर हो गई है। तो ये लोग जो होते हैं फिर चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं। अनु जो होती है वो दिल में कहती है कि काश मुझे वैसे किस करती, उन लड़कों की वजह से किस क्यों किया, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। तो आना जो होती है दिल में कह रही होती है और शिट मैंने क्या कर दिया, ये तो शुक्र उन लड़कों की वजह से मैं बच गई, बल्कि मुझे क्या जरूरत थी उसको किस करने की, उफ़ कितनी बड़ी गधी हूँ मैं, क्या था मुझे, क्या चुल पड़ी थी, आइसक्रीम हटानी थी ना तो हाथ से हटा देती मैं, ओयो ये मुझे क्या हो गया, मैं क्या सी हरकतें कर रही हूँ। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही होती है। तो खैर ये लोग काफ़ी देर चलते रहते हैं। तो आना जो होती है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होती है इसलिए कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती रहती है। और अनु जो होती है वो उसे कहती है यार हम कितना चलेंगे, मेरे टांगों में दर्द हो गया, हम कोई ऑटो वगैरह नहीं कर सकते। तो आना कहती हाँ क्या क्या बोला तुमने? अनु कहती यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैंने बोला कोई ऑटो कर लेते हैं, मैं थक गई हूँ चल चल के। तो आना कहती हाँ हाँ ऑटो कर लेते हैं। तो अनु जो होती है फिर वहीं पे उसको रोक लेती है सड़क पे ही और खड़े होते हैं किसी ऑटो का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक ऑटो गुजरता है तो अनु उसे रोक लेती है और दोनों जो होती है ऑटो में बैठ जाती हैं। अब ये लोग जब ऑटो में बैठे होते हैं तो रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो जो ड्राइवर होता है वो उसको सामने से बाइक आ रही होती है उसे नज़र नहीं आता तो वो ज़िगज़ैग करता है ना। तो अनु जो होती है वो आना के ऊपर आके गिरती है और उसके हाथ भी टच हो जाता है। तो आना की तो वहीं पे जान निकल जाती है, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी अनु जो होती है वो बड़े प्यार से आना की आंखों में देखती है तो आना भी फिर उसकी आंखों में देखती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, खो जाते हैं एक दूसरे की आंखों में। तभी ड्राइवर कहता है कि सॉरी वो आगे से बाइक आ गया था इसलिए मैंने देखा नहीं, आप लोग ठीक तो हो ना। तो तभी ये दोनों होश में आती हैं और नज़रें जो होती हैं एक दूसरे से हटा लेती हैं। यार इतनी देर में जो होता है ड्राइवर भी नए हॉस्टल के बाहर ही छोड़ देता है और अनु से कहती है यार हम छलांग मार के आ तो गए, अब जाएंगे कैसे। तो आना जो होती है उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था सिवाय उस किस साले सीन के। तो वो फिर से कोई बात नहीं सुनती तो उन्होंने उसको ऐसे पकड़ के लाती है, कहती यार तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, कहाँ है तुम्हारा दिमाग, तुम लगते हो यहाँ हो लेकिन हो के भी नहीं हो, यार क्या मसला है तुम्हारे साथ, मैं कह रही हूँ कि कहाँ कैसे जाएँगे ऊपर। तो आना कहती हाँ कैसे जाएंगे, हाँ अब सब मैंने ही सोचना है, तुम भी कुछ सोच लो, बाहर निकलने का जुगाड़ मैंने ही लगाया था ना, अब अंदर जाने का तुम लगा लो। तो ऐसे बोलती है तो अनु कहती हाँ जुगाड़ लगा लो, जैसे यहाँ पे मैंने जुगाड़ों की दुकान खोल रखी है। तो खैर ये क्या है कि अनु जो होती है बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है कि वो ऊपर कैसे जाएँ। तो अनु ऐसे सोच रही होती है कि उसकी नज़र पड़ती है सामने एक जो होता है बहुत पुरानी सी सीढ़ी पड़ी होती है, तो कहती मिल गया जुगाड़। तो ऐसे बोल के जाती है और वहाँ से सीढ़ी उठा के आती है। आना जब उस सीढ़ी की कंडीशन देखती है तो कहती ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ कौन सा है, ऊपर जाने का ही मेरी टांगे जो तोड़ने का जुगाड़ है, पागल हो क्या, कितनी पुरानी सी है, ज़रा से इस पर वज़न आया टूट जाना है इसने। तो कहती हाँ तो अपना वज़न थोड़ा रख लेना था ना, इतना वज़न रखोगी तो बेचारी उसने टूटना ही है, चलो खैर मैं हूँ ना, नहीं टूटेगी, चलो तुम ऊपर। आना कहती ओ हेलो तुमने मुझे मोटी कहा। तो अनु कहती मैंने कब कहा, तुम खुद को खुद ही बोल रही हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला, चलो चलो ऊपर चलो, वैसे बहुत रात हो गई है, ये शुक्र मनाओ, दुआ करो कि हमें कोई देख ना ले, ठीक है, यहाँ पर लड़ाई करने से तो बेहतर यही काम है।
तो अनु जाती है, फिर डरते डरते सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है और कहती है यार ये टूट ना जाए। अनु कहती है यार नहीं टूटती, टूट भी गई तो क्या होगा, गिर जाओगी, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, कोई नहीं चोटें तो लगती रहती हैं। तो आना कहती है हाँ तुम तो चाहती ही हो ना मैं गिर जाऊँ, मुझे चोट लग जाए, मेरे हाथों पर पट्टी लग जाए और फिर मेरी ब्यूटी में कमी आ जाए। अनु कहती है अल्लाह कौन सी ब्यूटी, कहाँ की ब्यूटी, खुद को तुम ब्यूटी क्वीन समझती हो, कोई ब्यूटी ब्यूटी नहीं है, चलो ऊपर चढ़ो, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी। तो ऐसे बोलती है और आनो जो होती है फिर ऊपर चढ़ जाती है, दीवार पर चढ़ के बैठ जाती है और अनु को कहती है कि अब तुम भी आओ। तो वो कहती है अच्छा यार मैं भी ऊपर आऊँ, तो कहती है अच्छा मुझे तो बड़ी जल्दी तुमने ऊपर चढ़ा दिया था, अब खुद चढ़ना, चलो ऊपर आओ शाबाश। तो अनु जो होती है फिर वो भी ऊपर आ जाती है और दीवार के ऊपर बैठ जाती है। तो आना उसको बोलती है कि अब हमें यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी। तो अनु कहती है हाँ पहले भी तो छलांग लगा के गए थे ना, अब क्या होगा, चलो लगाओ। तो ऐसे क्या कि अनु कहती है अच्छा चलो सर साथ में छलांग लगाते हैं। तो अनु कहती है मैं जब ठीक पे आऊँगा ना छलांग लगा देना, ठीक है। तो ऐसे क्या कि वो काउंटिंग स्टार्ट करती है 1 2 3, और जैसे 3 बोलती है अनु छलांग लगा लेती है। और जब नीचे आके देखती है तो आना अभी भी ऊपर, तो कहती है यार तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई। अनु कहती है तुमने मुझे कब बताया छलांग का, पहले तुम कूद गई। तो कहती यार मैंने बोला तो था 3 पे छलांग लगाएंगे। तो कहती मैंने नहीं सुना तुम्हारा 3, तो अब कहती यार अब क्या छलांग लगाओ, ऊपर ही बैठ रहना पकड़े जाएंगे हम लोग। तो आना कहती देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहती यार पहले भी तुम छलांग लगा के गए थे ना। आना कहती यार पहले की बात अलग थी, तब थोड़ी रोशनी भी थी, अब देखो कितना अंधेरा है, मैं कहीं कहीं इधर उधर गिर गई तो मुझे चोट लग जाएगी। अनु कहती वो मेरी माँ नहीं लगती चोट, मैं खड़ी हूँ ना, गिरोगी तो मैं पकड़ लूँगी। तो आना कहती हाँ पकड़ लोगी, यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है, मैंने गिरना हो तुमने मुझे पकड़ लेना है, यार बहुत फिल्मी हो तुम, यार सच में चोट लग जाएगी, कहीं मेरी हड्डी वड्डी टूट गई तो मुझे हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। अनु कहती तुम टेंशन ना लो, हड्डी वड्डी टूट गई ना मैं यहाँ पे हूँ, तुम हॉस्पिटल ले जाऊँगी। आना कहती हाँ मतलब तुम यही चाहती हो, मैं गिरूँ मेरी हड्डी टूट जाए बाकी। तो अनु कहती अरे यार क्या दिमाग की चटनी बना दिया तुमने, कुछ नहीं होता तुम्हें, आओ नीचे मैं खड़ी हूँ ना। तो आना जो होती है कहती वाकई लगाओ छलांग। अनु कहती कि यार ठीक है आंखें बंद करो और कूद जाओ बस। तो आना कहती है देखो तुम पे भरोसा करके कूद रही हूँ, मुझे थोड़ी सी चोट लगी ना तुम्हारी खैर नहीं है। अनु कहती है अरे ठीक है आ जाओ तुम। आना जो होती है अपनी आंखें बंद करती है और कूद जाती है। अनु जो होती है उसको देखती है कि वो गलत साइड पे जा रही है और वहाँ पे जो है ईंट वगैरह पड़ी होती है, तो वो फ़ौरन से ईंट साइड पे करती है, खुद ही उसी साइड पे आ जाती है और आना जो होती है वो अनु के ऊपर गिर जाती है और दोबारा से एक्सीडेंटली इनके किस हो जाती है। तो वो आना जब आँख खोलती है अपनी, तो वो देखती है कि उसके लिप्स जो होते हैं अनु के लिप्स के ऊपर टच हुए होते हैं फुली तरह से। तो वो जो होती है बड़े प्यार से फिर देख रही होती है अनु को, उसकी आंखों में आंखें डाल के और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। तभी आना जो होती है वो फटाफट उठ जाती है और कहती है तो तुम यहाँ पे क्यों आई थी, तुम तो वहाँ पे खड़ी थी ना इसलिए तुमने यहाँ पे छलांग लगाई। तो कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमने जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ छलांग लगाती ना गधी, कहाँ लगाई तुमने, वहाँ पे ईंट थी तुम्हें लग जाती। तो आना कहती है इस किससे अच्छा वही ईंट ही लग जाती मुझे। तो उन्होंने कहती क्या कुछ बोला तुमने। आना कहती नहीं बोला कुछ, चलो अब अंदर इसे पहले वो मैं देख ले। तो ऐसे जो होते हैं मूड ख़राब कर लेती है और फिर उनको कहती है कि चलो अंदर। तो ये दोनों जो होते हैं छुपके छुपाते अपने हॉस्टल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब रूम तक इन्हें पहुंचना होता है, रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि ये देखते हैं कि वार्डन जो है वो राउंड पे निकली हुई है। तो उन्होंने जो होती है वो आना हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ भाग भाग रही जा रही हो, नजर नहीं आता सामने वार्डन मैम आ रही है। तो कहती वो शिट आज हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने कहती हाँ तो ये बाहर जाने से पहले सोच रहा था ना कि पकड़े जाएंगे। तो आना कहती यार एक तो तुम्हारे लिए बंदा जो मर्जी कर ले, तुम ना खुश नहीं होती, किसके लिए गए थे हम बाहर, तुम्हारे लिए गए थे, तुम्हें भूख लगी थी, तुम रो रही थी, कान्हा जी माफ़ कर दो, कान्हा जी ये कर दो, इसलिए तुम्हें बाहर लेके गई थी ना मैं। तो उन्होंने कहती अच्छा मेरी माँ ठीक है सॉरी, बस अब चुप कर जाओ, तुम्हारी आवाज़ से मैम ने आ जाना यहाँ पे, हम दोनों पकड़े जाएंगे और फिर हमारी वाट लगने वाली है। तो आना कहती अच्छा मैं बोल रही हूँ या तुम बोल रही हो, किसने बोला था, किसने इल्ज़ाम लगाया था बाहर जाने का। तो उन्होंने कहती अरे यार क्या मुसीबत है, ठीक है मेरी माँ मैं गलत तुम ठीक, अब बस कर जाओ चुप एकदम चुप। तो आना जो होती है फिर आगे से बोलने लगती है, तो उन्होंने उसके लिप्स पे ना अपनी उंगली रख देती है। तो आना की तो वहीं पर बोलती बंद हो जाती है और बस अनु को देखती रहती है। तो ये दोनों जो होते हैं दीवार के पीछे छुपे होते हैं और मैम जो होती है इनके काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं और ये दोनों बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि यार किसी तरह से भी मैम हमें मत देखे बस। तो मैम जो होती हैं और ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं और भी दिखाते हैं इनके क्लोज आ रहे होते हैं और ये दोनों की फुल लॉन्ग बैंड बजी होती है। तभी साथ में जो होते हैं सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा स्टोर बना होता है। तो अनु जो होती है आना को इशारा करती है कि हमें वहाँ जाके छुपना होगा, यहाँ छुपे तो मैम ने पक्का हमें पकड़ लेना है।
तो उन्होंने से क्या कि आगे भागती है, बट आहना को देखते वो वहीं पे डर के मारे खड़ी होती है। तो उन फौरन से वहाँ पे आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको भगा के वहाँ पे छुपा देती है, खुद भी उसके साथ छुप जाती है। तो वो एक बहुत ही छोटा सा स्टोर होता है, वो भी ओपन वाला। तो वहाँ पे ये दोनों जो होते हैं छुपे बैठे होते हैं, और अनु जो होती है वो आहना को कहती है कि अब तुमने शोर नहीं करना, चुप करके बैठे रहना है। तो आहना कहती है मैं कहाँ शोर करती हूँ, तुम ही बोली जा रही हो, मैंने कुछ बोले? तो अनु कहती है यार अच्छा ठीक है, सब मेरी गलती है, चुप एकदम से चुप, अब बोलना नहीं है तुमने। और तभी अनु को जो होती है खुद ही खांसी शुरू हो जाती है। तो आहना जो होती है फौरन से उसके मुँह पर अपना हाथ रखती है और कहती है पागल हो क्या, मैम कितनी क्लोज है, उन्होंने जरा सी तुम्हारी आवाज़ सुनी ना यहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो ऐसे ये पहले तो उसको ऐसे सुना रही होती है, बट फिर अनु जो होती है वो आहना को बड़े प्यार से देख रही होती है, उसकी आंखों में तो दया आई कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो आहना की भी नज़र चल जाती है उसकी आंखों में, और ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और आहना जो होती है अपने लिप्स बहुत ही ज़्यादा करीब लेके जा रही होती है, उसके मतलब उसके लिप्स के करीब लेके जा रही होती है। और तभी उसको पता नहीं क्या होता है, पीछे हट जाती है और कहती है और मैं पागल हो गई हूँ क्या, मैं क्या सोच रही हूँ यार, तो उससे यार मेरी क्या हो गया मेरे साथ, भगवान जी आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं, नहीं अब तो क्लियर कर ही दे आप, ये कैसी फीलिंग्स जा रहे हैं मेरे दिल के अंदर। तो मतलब ऐसे कह रही होती है दिल ही दिल में ना। अनु जो होती है वो आहना को देख रही होती है, और आहना जो होती है बिल्कुल सीधा मुंह करके बस अपने भगवान के साथ कंप्लेन में लगी हुई होती है, और अनु उसको बड़े प्यार से देख रही होती है। तभी आहना की नज़र अनु पे पड़ती है और वो देखती है कि उसको देख रही है, तो उसे कहती है तुम क्या देख रही हो मुझे। अनु कहती है अब यार मेरी आँखें हैं तो वो तो जाएंगी ना इधर उधर, तो तुम्हारे ऊपर भी आ गई, तो इसमें मैं क्या करूँ, कोई गुनाह करती है, देखना गुनाह है। तो आहना कहती नहीं गुनाह नहीं है, चुप कर जाओ बस मैम देख लेंगे मैं। तो वो एक दूसरे को बस चुप करवाने में लगे रहते हैं। तभी जो होती है बेडरूम मैम जो होती है वहाँ से गुजर जाती हैं, और अनु जो होती है फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती फाइनली मैम गई। तो आहना को पता नहीं क्या होता है, वो अनु को देख के हक कर लेती है फ़ौरन से खड़ी होकर, और अनु जो होती है वो भी फिर उसको हक कर लेती है बहुत ही टाइटली। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके खड़े होते हैं। तभी आहना को भी एहसास होता है कि उन्होंने उसे बहुत टाइटली हग किया हुआ, तो वो फ़ौरन से पीछे हो जाती है और कहती है वो खुशी में ना एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मैं हग कर लेती हूँ किसी ना किसी को ना, अब सामने तुम थी तो इसलिए मैंने तुम्हें हग कर लिया। तो वो उन्होंने कहती हाँ मुझे पता है, वैसे तुम मुझे हग करने वाली थी, चलो इसी बहाने हग तो कर लिया। तो वैसे कह के हंसने लग जाती है। तो आहना को कुछ समझ नहीं आती ना उसकी इस बात का, तो वो कहती अब रूम में चलें इससे पहले मैम वापस आ जाए, हम दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएँ। तो अनु कहती है हाँ चलते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं फिर रूम में चले जाते हैं, और आहना जो होती है अंदर से रूम लॉक कर देती है और कहती फाइनली यार हम बगैर पकड़े रूम में पहुंच गए, वरना आज तो मैम ने हमें पकड़ ही लेना था। तो ऐसे कह रही होती है, और अनु जो होती है वो सीधा बेड पे जंप लगा के और उल्टा होके लेट जाती है। और अनु उसको ना मतलब बस वही सीन याद आ रहा होता है कि जब आहना ने उसको किस किया था, वो भी रोड पे खड़े होके, तो वही चीज़ सोच रही होती है और आंखें बंद करके इमेजिन कर रही होती है, बार बार वही सीन उसके दिमाग में आ रहा होता है। और आहना जो होती है वो सीधा वॉशरूम में जाती है और अंदर से कुंडी लगा के खड़ी हो जाती है शीशे के सामने, खुद को बस 5 मिनट तक तो खुद को ऐसे देखती रहती है और कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ यार, क्या हो गया मेरे साथ, आना तू पागल तो नहीं होगी, ये तूने क्या कर दिया, सबके सामने तूने उसे किस कर दिया, शिट। तो वो एसके के सर पकड़ के खड़ी हो जाती है और फिर सोचने लग जाती है कि यार उस किस को तो किस नहीं कह सकते थे, ये तो किस थी और क्या किस थी यार, मतलब क्या फीलिंग थी। तो ऐसे सोच रही होती है, कहती क्या गदी हूँ मैं, फिर से वही कुछ सोच रही होती हूँ, पागल तो नहीं हो गई मैं यार, क्या करूँ मैं अपने साथ, क्या हो गया यार मुझे, पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और किसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचा मैंने। वो खुद को ही अब वो डांट रही होती है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, उसको किस क्यों किया, और क्या सोचती होगी मेरे बारे में, क्या करूँ मैं अब। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर कहती है कि वो क्या सोचेगी, वो तो आराम से घोड़े बेच के सोगी और मैं यहाँ पागलों की तरह सोच सोच के पागल हो रही हूँ। तो ऐसे बोलती है और फिर मुँह पे जो है छटा मारती है पानी का 2 से 3 बार, और फिर अनलॉक करती है वॉशरूम और का गेट, और फिर वापस अपने बेड पे आ जाती है और लेट जाती है। ऐसे लेटे लेटे उसकी नज़र बाई चांस ऐसे अनु पे पहुँच जाती है और देखती है कि वो कितने आराम से सोई हुई है। अनु को जो होता है दूसरी तरफ मुंह होता है ना, तो वो ऐसे करवट बदलती है और आलिया की तरफ मुंह करके सोई होती है। तो आलिया की नज़र सीधा उसके लिप्स पे फिर से जाती है और कहती है कि मतलब आज हमारी 30 किस हो गई। तो वो ऐसे कि वो अपने लिप्स पे हाथ फेर रही होती है और कहती है कि दूसरी वाली तो कमाल थी। तो ऐसे कि हंस रही होती है और फिर
उठ के बैठ जा, देखती छी यार मैं कितना गंदा सोच रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच क्यों रही हूँ यार, छी। अब तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। तो ऐसे बोल के खुद को ही अब टॉर्चर कर रही होती है, और फिर अपना मोबाइल उठाती है और कहती है कि नींद तो मुझे आने से रही, इससे अच्छा मैं कुछ देख ही लूँ। तो ऐसे के यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखने लग जाती है। तभी उसके सामने हॉलीवुड मूवी का एक छोटा सा सीन जो होता है, 2 से 3 मिनट का होता है, वो सामने क्लिप आ जाता है। और वो भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक लड़की को किस करी होती है। तो पहले तो ये उसको उसका थंबनेल देख के उसको हटा देती है, स्क्रॉल डाउन कर लेती है। बट फिर सोचती है कि यार मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ, मैंने भी तो एक लड़की होकर लड़की को किस किया, तो ये लोग भी ऐसे कर रहे हैं, मुझे तो लगा शायद मैं ही पागल हूँ, ये लोग भी करते हैं क्या। तो ऐसे सोच होती है, बहुत परेशान होती है और कहती है देखूँ या ना देखूँ, ये तो गुनाह होता है ना। तो ऐसे सोची होती है कि पाप लगेगा मुझे, मैं खुद पे पाप चढ़ाऊंगी ऐसी चीज़ें देख के। बट फिर कहती है अच्छा कर दिया तब पाप नहीं चढ़ा, अब देखने में तुझे पाप चढ़ रहा है। तो मतलब ऐसे खुद से ही कंप्लेन करी होती है। तो ऐसे कह के फिर वो वापस ऊपर जाती है और वो वीडियो जो है वो प्ले करती है, तो उसमें तो जो है साउंड आ रहा होता है, तो फ़ौरन से वॉल्यूम जो है उसका बंद कर देती है, म्यूट पे लगा देती है वीडियो। वो फिर उस वीडियो को देख रही होती है। उस वीडियो में वैसे सीन होता है कि एक लड़की दूसरी लड़की को जो है लिप किस कर रही होती है। तो वो ये वो सीन देख के बिल्कुल उस सीन के अंदर घुस जाती है और इमेजिन कर रही होती है कि वो भी उन्हों के ऐसे इतने प्यार से किस करी है और उन्हों भी उसको लिप किस करी है। तो ऐसे सोचने लग जाती है। और फिर वो वीडियो जब ख़त्म होती है तो उसके आगे ऑटोमेटिकली एक और वीडियो चल जाती है, और वो मतलब कपल की होती है, लड़का लड़की की वीडियो होती है, वो भी ऐसे ही कुछ रोमांस की तरह होती है। तो कहती शिट ये क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे तो ऐसी वीडियोज़ देखनी चाहिए थी ना कि वो वीडियो। इसके के मोबाइल बंद कर देती है और कहती भगवान जी प्लीज़ मुझे पाप न चढ़ाना, आपको तो पता है मैं नादान हूँ, नादान बच्चे तो ऐसी गलतियाँ करते हैं, बच्ची समझ के माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी मुझे कोई पाप न चढ़ाना। ऐसे कह के और मतलब ऐसे कानों को हाथ लगा रही होती है, माफ़ी मांग रही होती है अपने भगवान जी से। तभी अनु की आँख खुलती है और वो देखती है कि आलिया आना जो है वो ऐसे ही कानों को हाथ लगा रही है। तो वो कहती है कि ये यहाँ पे कौन सा क्रम शुरू हुआ है, हाँ भाई क्या कर रही हो तुम। तो वो आगे से कहती है कि भगवान जी से पाप न चढ़े इसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ ऐसा हो जाओ तो वो कहती अच्छा जी तो ऐसे कांड करने ही हुए जो बाद में तुम्हें माफ़ियाँ मांगनी पड़े। अनु गुस्से में बोलती है अनु को मैंने पाप किया, तुमने ये पाप मेरे पे चढ़ाया ठीक है ना, ज़बरदस्ती मेरे सर पे चढ़ाया है, अब उसके लिए मैं मुझे नींद भी नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो अनु परेशान हो जाती है, उठ के बैठ जाती है, कहती कौन सा पाप मैंने तुम्हारे सर चढ़ा दिया भाई, मुझे भी तो पता चले मैंने कौन सा कांड किया। वो आना कहती नहीं तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम आराम से जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो ऐसे कह के अपने फेस पे कंबल डाल देती है और सो जाती है। तो अनु कहती पागल है क्या, कौन से पाप की बात कर रही थी ये लड़की। तो खैर ऐसे सोचने लग जाती है और फिर कहती मुझे क्या, सुबह बात कर लूँगी इससे, अच्छे से पूछूँगी कौन सा पाप चढ़ा दिया मैंने अभी इस पर। तो ऐसे कह के वो भी सो जाती है। और सुबह जब आना उठती है तो सीधा वो चली जाती है नहाने के लिए, और जब नहा के बाहर आती है तो देखती है कि अभी तक जो है अनु सोई होती है। तो कहती वैसे तो मुझे कहती है मैं घोड़े गधे बेच के सोती हूँ, खुद को देखो कितने आराम से सोई हुई है। तो ऐसे बोल के वो फिर आवाज़ लगाती है अनु अनु उठ जाओ यार, तुम फिर देर करवाओगे आज, उठो। तो वो काफ़ी दूर खड़े होकर ऐसे चीख रही होती है, बट अनु उन्हें कहाँ उठना होता है उसकी आवाज़ से। तो कहती मैं अभी ना इतनी दूर होकर चीख रही हूँ, उसके तो पास ढोल भी बजेंगे ना उठे, और मेरे को से इतनी दूर से बरीक सी इतनी प्यार सी आवाज़ से उसने उठ जाना है। तो ऐसे कहने लग जाती है और फिर जाती है जी अनु के सिरहाने हो जाके खड़ी हो जाती है। कहती अनु उठो यार कितना सोओगी तुम, उठो चलो शाबाश देर हो रही है, देखो मैं नहा के भी आ गई और तुम अभी तक सोई हुई हो। बट अनु जो होती है आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, देरी होती तो आना कहती ये नहीं सुधरेगी। तो ऐसे कह के फिर वो अनु का ऐसे शोल्डर पकड़ती है और उसे हिला रही होती है कि यार उठ जाओ तुम कितना सोओगी यार, टाइम देखा तुमने देर हो जाएगी हमें, अभी तुमने रेडी भी होना है और ब्रेकफास्ट करने के लिए भी तो जाना है ना नीचे, उठो यार जल्दी करो। तो ऐसे बोलती है बट अनु नहीं उठ रही होती। तो आना जो होती है अब दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, कहती पागल है क्या कितना उठाओ यार इसको, लोग एक ही आवाज़ में उठ जाते हैं और इसे तो बंदा फेंटी रखे इसने नहीं उठना। तो ऐसे बोल रही होती है और फिर अचानक से पीछे मुड़ती है और उसका पाँव जो स्लिप हो जाता है, वो अनु के ऊपर आके गिरती है। अनु की आँखें खुलती हैं, देखती है कि उसके आना ने सही बात है अभी फ्रेश फ्रेश नहा के आई होती है शावर लेके, उसके बाल गीले होते हैं सारे फेस के ऊपर आ जाए। तो अनु जो होती है ज़ोर से चीख मारती है, आना भी डर के बैठ जाती है, कहती यार पागल हो क्या इतनी ज़ोर से चीख क्यों मारता है, डरा दिया तुमने मुझे। अनु कहती मैंने डरा दिया, और तुम जो भूतनी बन के सुबह सुबह मुझे डरा दिया, मेरा तो नींद में ही हार्ट फेल होने जाना था, इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं और फिर उठते ही तुम्हारे भूतनियों वाला दीदार हो गया। कहती तुमने भूतनी किसको बोले, हाँ कौन से दीदार, एक तुम्हें इतने प्यार से तुम्हें उठाने आई तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। तो उन्होंने कहती ये कौन सा प्यार होते भाई, हाँ
इतनी बाल सारे आगे करके थोड़ा सा मेकअप लगाती थी ना, मुंह पे चूना लगा देती और लिपस्टिक फैला के लगा देती, पक्की तुमने भूतनी लगना था। मुझे कह रही हो तुम माना कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे भूतनी बोला तो ऐसे कह के वो अनु को जो है ऐसे मारने लग जाती है, और मारते मारते उसके ऐसे किरपान जो होती है वो पकड़ लेती है, उसको यूँ अपनी तरफ जो खींचती है तो उसके जो शर्ट होती है उसका बटन खुल जाता है और आना देखती है तो उसका मतलब अंदर से नज़र आ रहा होता है, तो वो शर्म के मारे दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। बट अनु को नहीं पता होता ना कि इसने क्या देख लिया, तो वो कहती अच्छा अब दूसरी तरफ क्यों मुंह कर लिया तुमने, लड़ाई अभी ख़त्म करो ना, तुमने मेरा गिरवान पकड़ा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या पकड़ती हूँ। तो आना जाती है वो चुप करके शर्मा के बैठे होते हैं, उठ के परे चल जाती है। अनु कहती ये क्या बदतमीजी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम उठ के चली गई हो, तो ऐसे कह के फिर वो आती है आना के पास और कहती इधर देखो मेरी बात सुनो तुम। वो आना जाती है बट उसकी तरफ फेस टर्न नहीं कर रही होती, तो अनु उसको ऐसे पकड़ के अपनी तरफ फेस टर्न करते हुए कहती हाँ कहाँ उधर देख रही हो, आँखों में आँखें डाल के बात करो ठीक है ना, लड़ाई भी करनी होती है तो की तरह किया करो ठीक है ना, पीछे से वार मत किया करो तुम, अब बताओ हाँ क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या बोल रही थी तुम मुझे। तो आना जाती है अनु की तरफ देखती है तो फिर उसकी नज़र वहीं जाती है उसके चेस्ट की तरफ, तो मुझे होती है शर्म के मारे फिर दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और कहती है कि तुम जीत गई मैं हार गई ठीक है, मैं चुड़ैल हूँ मैंने मान लिया, अब तुम जाओ जल्दी से नहा के आ जाओ। तो उन्होंने कहती अजीब लड़की है इसको क्या हो गया, इतनी आसानी से आज इसने हार मान ली। तो बस कह के फिर वो वॉशरूम में जाती है और शीशे के सामने खड़ी होती है, ब्रश खड़ी होती है, तो तभी उसकी नज़र पड़ती है अपनी शर्ट की तरफ और देखती है कि उसके बटन जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं और उसका फ्रंट नज़र आ रहा होता है। तो कहती ओ शिट 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 शिट, इसकी वजह से उतना वियर्ड बिहेव कर रही थी, हाय मेरी तो इज्जत लुटी गई। तो ऐसे कह के नौटंकी करने लग जाती है और फिर शीशे को शीशे में ना खुद को अच्छे से देखते हैं, कहती अच्छा ऐसे इतनी ड्रामनी तो नहीं दिख रही थी वो, इतनी डर क्यों गई। तो ऐसे बोलते हैं कहती शिट यार क्या बोल रही हूँ मैं, उसने यार मेरी तो इज्जत लूटी गई, मैं कैसे जाऊँगी अब उसके सामने, इसी वजह से वो बेचारी मेरी तरफ नहीं देख रही, मैं कुछ समझी ही नहीं। कहती हूँ ना यार मैं भी तो ऐसे सोच रही होती है, और फिर कहती यार अब बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्या मैं सारे टाइम वॉशरूम में थोड़ा ना बैठ सकती हूँ। तो ऐसे कहकर जल्दी जल्दी फिर अपना ब्रश करती है, फेस वॉश करती है और जो होता है दरवाज़ा जो है अनलॉक करने लगती है, और कहती फिर मैं ऐसे जा रही हूँ, फिर वो नहीं देखेगी कभी शर्ट के बटन दबा ले। तो ऐसे कहकर फिर वो अपने शर्ट के बटन जो होते हैं वो सिर से लगाती है और बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती है आना उसकी तरफ देखती है और उसकी नज़र वही शर्ट पर जाती है, तो कहती है शुक्र है इसने बटन लगा लिया। जो होती है वो आना की तरफ देखती है और देख रही होती है कि वो उसकी नज़रें कहीं और जा रही हैं, तब तो समझ आती है फ़ौरन से अपनी नज़र नीचे कर लेती है और कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं यार, एक तो यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे कपड़े कहाँ गए। तो आना कहती है मुझे क्या पता जहाँ रखे होंगे वहीं होंगे ना। तो आना जो होती है वो चुप करके फिर रूम से बाहर चली जाती है और बाहर आके खड़ी हो जाती है और कहती शट यार इतना वेयर्ड बिहेव करेंगे यार अब हम एक दूसरे से, क्या यार ज़रूरी मैंने वहाँ पे देखना था, वो भी समझ गई होगी तभी तो बटन लगा के आ गई है बाहर। अब तो ऐसे सोच के और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती यार मैं उसकी तरफ कैसे देखूँगी, मुझे तो शर्म के मारे उफ़ क्या करूँ यार मैं। तो ऐसे खुद पर खड़ी होती है और फिर कहती है यार अब जो भी हो गया रूम तो मेरे ही है ना, मैं क्यों रूम से बाहर आके खड़ी हो गई हूँ, अब ये तो नहीं कि मैं बिस्तर बोरा कहीं और शिफ्ट कर लूँ अपना, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वो ऐसे कह के दरवाज़ा खोलती है, तब फिर थोड़ा सा खोला होता है, देखती है कि अनु जो है वो कपड़े चेंज करी होती है और अब तो उसने शर्ट भी उतारी होती है। तो वो ऑन हो जाती है देख के उसकी, तो आँखें बस फटी की फटी रह जाती हैं और अनु जो होती है वो फुल ड्रेसअप हो जाती है और पीछे दफ़ा मतलब जब टर्न करती है ना दरवाजे की तरफ, तो अनु जो होती है डर के मारे दरवाज़ा बंद करने लगती है और उसकी उंगली जो होती है बीच में आ जाती है और उसकी चीख निकलती है। तो अनु जो होती है भाग के आती है, अनु की कहती क्या हुआ, अनु जो होती है वो चीख भी रही होती है और हाथ अपना ऐसे ऊपर नीचे करी होती है, तो अनु कहती क्या हुआ यार तुम्हें क्यों चीख मारी तुमने, अनु जो होती है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, कहती वो ना वो कहती क्या वो बताओगे मुझे, तो वो कहती दरवाज़ा हाथ में आ गया। क्या दरवाज़ा कैसे हाथ में आ गया, उन्होंने कहती नहीं मेरे मतलब उंगली हाथ में आ गई। तो उन्होंने कहती क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, क्या मतलब इस बात का, क्या उंगली हाथ में आ गई, नहीं मेरा मतलब उंगली हाथ में आ गई, हाथ उंगली में आ गया। तो उन्होंने कहती क्या लगा रखा तुमने, क्या बोल रही हो तुम, दरवाज़ा हाथ में आ गया, कभी कहती उंगली हाथ में आ गई, कभी ये क्या लगा क्या रखा है बताओगे अब क्या हुआ। आना जो होती है जोर से चीखती कहती मेरे मतलब उंगली यार दरवाजे में आ गई, खाती हो क्या तुम, अब पहले मेरा दिमाग नहीं चलो ऊपर से तुम्हारे ये सवालात, हटो यार आगे से। तो ऐसे ही है कि वो रूम में जाती है बेड पे बैठ जाती है और अपना हाथ जो होते जोर से दबाने लग जाती है और चीखें मारने लग जाती है आई मेरी उंगली गई। तो उन्होंने जो होती है फ़ौरन से आती है उसके पास बैठ जाती है और कहती दिखाओ मुझे कितनी लगी। तो आना ऐसे हाथ हटा लेती है कहती मैम तुम डॉक्टर लगी हो यहाँ पे, मेरी उंगली है मैं खुद ध्यान रख लूँगी इसका। तो उन्होंने कहती बकवास बंद करो दिखाओ मुझे कितनी लगी है।
तो वो ऐसे क्या क्या उसकी होते हैं, हाथ अपने हाथ में लेती है, उसको दबा रही होती है, और आना जो होती है वो अनु को देखती है, बस देखती रह जाती है और स्माइल करती रहती है, उसे फील ही नहीं होता कि उसको कहीं दर्द भी हो रहा है। तो अनु जो होती है वो आना की तरफ देखती है, कहती है आना क्या हुआ तुम्हें, बताओ ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। आना जो होती है वो आगे से स्माइल करती रहती है। गाइस फाइनली अब आहना के दिल में भी फीलिंग्स आ रही हैं अनु के लिए। सो गाइस अब देखना ये है कि क्या ये फीलिंग्स का अचार डालेगी, ऐसे पता भी चल जाएगा कि इसे फीलिंग्स क्यों आ रही हैं और ये क्या फील करती है उसके बारे में, और उसे प्यार वगैरह करती है या जो भी। तो गाइस अब देखना ये है कि ये दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कब करेंगी और अपनी मोहब्बत का इजहार कब करेंगी। सो गाइस जो भी होगा वो तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार बड़े कंजूस लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते, लाइक किया करो यार, और हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके देन, बाय बाय।